हेलो एंड वेलकम टू योर कुकिंग चैनल आगरा मसाला किचन में आपका स्वागत है। बी हैप्पी ऑलवेज। तो इसी मुस्कुराहट के साथ शुरुआत करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मसालेदार आलू। तो चलिए बनाते हैं मसालेदार आलू। तो यहाँ हमने लिया है 4 से 5 कटे हुए आलू, हरी मटर, 2 कटे हुए टमाटर, 1 कटी हुई प्याज, कसूरी मेथी, थोड़े से काजू, धनिया के पत्ते, खसखस, कद्दूकस किया हुआ नारियल, हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, तेल और करी पत्ता। खड़े मसाले में हमने यहाँ पर लिया है 1 टेबलस्पून साजिरा, दालचीनी, काली मिर्च, जावित्री, 4 से 5 लौंग, 1 चक्रफूल, 1 टेबलस्पून सौंफ और 1 बड़ी इलायची। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 मिक्सर जार, इसमें हम सारे अपने खड़े मसाले ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे काजू, कद्दूकस किया हुआ नारियल, और यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे 4 से 6 चम्मच। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे खसखस। अब इसका एक फाइन स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमारा पेस्ट बनकर रेडी है। बिल्कुल ऐसा ही आपको पेस्ट तैयार करना है। यहाँ हमने ली है कढ़ाई, हम यहाँ पर अब तेल ऐड कर देंगे। तेल गर्म होने के बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, आधी चम्मच सरसों, 1 कटी हुई प्याज। अच्छे से प्याज को ब्राउन कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने ली है कटी हुई मिर्च, उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। यहाँ हम ऐड कर देते हैं करी पत्ता, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ हमने ऐड कर दिया कसूरी मेथी, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ ऐड करेंगे हम कटे हुए टमाटर, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1.5 टीस्पून सॉल्ट। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरीके से मसालों को फ्राई कर दीजिएगा। यहाँ ऐड कर लेते हैं आधी कटोरी पानी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हम लिड से क्लोज कर देंगे और 10 से 5 मिनट पकने देंगे। तो ये देखिए हमारे टमाटर पक चुके हैं और तेल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर ऐड कर देंगे मटर, मटर को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। लिड को क्लोज कर देंगे, 2 से 3 मिनट पकने देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारे मटर भी अच्छे से पक चुके हैं। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे कटे हुए आलू।
यहाँ डाल देते हैं हम धनिया, उसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ऐड कर देते हैं 1 ग्लास पानी। अब थोड़ा सा हमने पानी ऐड किया है ताकि इसकी जो ग्रेवी है अच्छी तरीके रेडी हो जाए। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग पानी कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसे लिड से क्लोज कर दिया 15-20 मिनट तक कुक होने के लिए। 15-20 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमारे जो सब्जी है अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और सारी वेजीज अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। मैं आपको एक आलू तोड़ के दिखाती हूँ कि हमारे आलू परफेक्टली कुक हो चुके हैं। देखिए हमने बिल्कुल भी जोर नहीं लगाया, बस टच किया और वो टूट गए। देखिए तो इसी तरह आपको आलू को पका लेना है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे हमारा पेस्ट। अब इसको हम लिड से क्लोज कर देंगे और इसको भी हम अभी 5-10 मिनट तक कुक होने देंगे। मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमारी मसालेदार आलू की सब्जी बनकर रेडी है। पत्ते से फिनिश कर लेते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। और वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।